मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया के भाई और कांग्रेस के दिग्गज नेता भरत घनघोरिया का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बीते कई दिनों से भरत घनघोरिया का जबलपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता भरत घनघोरिया कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज जारी था। सामाजिक न्याय मंत्री के भाई की असमय मृत्यु होने पर पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आज उनकी अंतिम यात्रा में अपार जनसमूह देखा गया। साथ ही उन्हें भावहीन श्रद्धांजलि देने शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। ये हम सबके लिए बहुत दुख का और संवेदना का समय है। हमारे बीच में हमारे प्रिय छोटे भाई भरत घनघोरिया आज नहीं है। एक मिलनसार व्यक्ति तो सबके सुख दुख में साथ देने वाले, और उन्हें खुद भी स्वयं लंबी लड़ाई लड़ी बीमारी के साथ। उनको पता था उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसके बाद भी कभी वो भाव भरत के चेहरे पे नहीं दिखता था। निश्चित तौर पर भरत के जाने से घनघोरिया परिवार को, हमारे कैबिनेट के सहयोगी भाई लखन घनघोरिया जी को तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ ही हुआ है, परंतु सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, लोगों की मदद करने में और राजनीतिक कार्यों में इस प्रकार से भरत घनघोरिया जी अपना खुद का एक स्वयं का स्थान रखते थे, लोगों के साथ मिलजुल कर चलते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति संपूर्ण जबलपुर के उस समाज की है जो उनसे जुड़ा था। मैं इस दुख के क्षण में परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, भरत को तो आप वैकुंठ धाम में अपने चरणों में स्थान देना ही देना, उनके पूरे परिवार को भी इस गहन दुख को और हम सबको इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान। ओम शांति।